Hello everyone. Right now we are going to discuss about socialization, which is very much important for the upcoming examination of CTET. हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सोशलाइजेशन समाजीकरण तथा इसके संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए होंगे उसको हम संक्षेप में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. समाजीकरण है क्या? What is a socialization? Socialization is the process of learning one's culture and how to live within it. कोई व्यक्ति सामाजिक प्रक्रिया को कैसे सीखता है और कैसे उसमें रहने की प्रक्रिया को अर्जित करता है उसे हम समाजीकरण कहते हैं. Socialization is the process of acquisition of social values. सामाजिक मूल्यों को अर्जित करने, सोशल बिलीव सामाजिक विश्वास को अर्जित करने एंड सोशल ट्रेडिशन सामाजिक मान्यताओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण करते हैं. जेम्स ड्रेवर का यह स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है. सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल इज एडॉप्टेड हिज सोशल इन्वायरमेंट बाय अटेनिंग सोशल कन्फॉर्मिटी एंड बिकम्स रिकग्नाइज को ऑपरेटिंग एंड इफिशियंट मेंबर ऑफ इट. सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करता है और इसके योग्य बनता है. तो समाजीकरण यह इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं. समाजीकरण एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक अर्जित प्रक्रिया होती है. यह प्रक्रिया उससे संबंधित है जिसके द्वारा मनुष्य अपने सामाजिक नियम सामाजिक नैतिकता सामाजिक विश्वास को अर्जित करता है. आइए नेक्स्ट पॉइंट हम डील करते हैं फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन समाजीकरण के तत्व. पहला था बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स. कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक उसके समाजीकरण के जिम्मेदार है. कुछ कहते नहीं है लेकिन हमको यहाँ मांग चलना है कि है सामाजिक अंतःक्रियाएं सोशल इंट्रैक्शन. जैसा कि मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि सामाजिक अंतःक्रिया समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटक होती है और बिना सामाजिक अंतःक्रिया के कोई भी समाजीकरण की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है. नंबर नेक्स्ट है परिणामों के प्रति स्वीकृति या अस्वीकृति. एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एनी चाइल्ड और एनी इंडिविजुअल डिटरमाइंस हिज प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन सोसाइटी. कोई व्यक्ति समाजीकरण समाज में कितना स्वीकृत है या अस्वीकृत है यह उसके समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है. एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इसको आप ध्यान रखिएगा. पहला है इसमें फैमिली है परिवार है पीयर है कास्ट है समुदाय है स्कूल है मास मीडिया. ये बहुत इसमें कभी अधिक है उसको हम संक्षेप में डिस्कस किए हुए हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन को हम दो भागों में बांटे हुए हैं. एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन जिसे हम प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन भी कहते हैं जैसे कि समाजीकरण के प्राथमिक कारक. और दूसरा है पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन और सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन जिसे हम समाजीकरण के गौण कारक भी कहते हैं. हम यहाँ पे जानना आवश्यक है कि प्राथमिक कारक किसे कहते हैं समाजीकरण के. प्राथमिक कारक वे कारक कहलाते हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार होते हैं जैसे कि परिवार हो गया पड़ोस हो गया और सहपाठी हो गया समुदाय हो गया विद्यालय हो गया इत्यादि प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार होते हैं. और पैसिव एजेंसी वो होते हैं जो बालक के समाजीकरण के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार नहीं होते लेकिन जो समाजीकरण की प्रक्रिया को परिणाम देते हैं जैसे सामाजिक संस्थाएं हो गई जैसे बस स्टैंड हो गया जैसे फेयर हो गया मेला हो गया या जैसे वाचनालय हो गया जैसे कोई भी गैदरिंग हो गई जिसमें कि समाजीकरण जिसका उद्देश्य न हो. तो इस तरीके से हम देखते हैं यह एक्टिव एजेंसी पैसिव एजेंसी हो गया. उसके बाद सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे समाजीकरण से हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इन प्रश्नों के माध्यम से हमारे कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. पहला पॉइंट है द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस. मतलब कि सबसे अधिक और गहन
जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? यहाँ पर उत्तर है किशोरावस्था, एडोलसेंस। यहाँ पे एक बात रिमार्केबल है, जब प्रश्न आपसे पूछे कि समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे अधिक किस अवस्था में होती है, सबसे तीव्र किस अवस्था में होती है, तो उत्तर हमारा है चाइल्डहुड, जो होता है 6 से लेकर के 11 साल की अवस्था, जिसे हम मिडिल चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं, या किस कुछ पुस्तकों में 6 से 12 साल लिखा हुआ है। उस स्टेज में हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन यहाँ प्रश्न कुछ दूसरा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे जटिल समाजीकरण क्रूशियल सोशलाइजेशन किस अवस्था में होता है, दैट इज द एडोलेसेंस। मल्टीलिंगुअलिज्म कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन है, इसको हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी है क्या। हमारा देश भाषाई विविधता या बहुभाषिकता का देश है, जहाँ पर मतलब कि कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश की भाषाई विविधता ऐसी है जो कि संभवतः विश्व के किसी और देश में नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हर 10 किलोमीटर में भाषा परिवर्तित हो जाती है, ऐसा कि हमारे बोलचाल की भाषा में एक उक्तियाँ भी चलती हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रश्न क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज, इसके संदर्भ में हम आपको NCF 2005 के रिकमेंडेशन की तरफ ले चल रहे हैं। NCF 2005 को जिसको कि हम डिस्कस कर चुके होंगे, जिसको कि आपको जानना अति आवश्यक है। NCF क्या कहता है, NCF कहता है जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुभाषिकता है, वह शिक्षण या अध्यापन प्रक्रिया में बाधक नहीं होती है, बल्कि क्या हो सकती है, यह रिसोर्स, एक शब्द यहाँ पर रिसोर्स आया हुआ जिसको हिंदी में संसाधन लिखा हुआ है, लेकिन आप जान लीजिए रिसोर्स के साथ साथ एक शब्द और आता है संपत्ति, इसको याद रखिएगा। मतलब कि मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकता का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रिसोर्स या संसाधन के रूप में किया जाना चाहिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, समाज शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या तात्पर्य होता है, यह परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, यह परिभाषा आगे कई सालों के पेपर में आई हुई है। क्या समाजीकरण से क्या तात्पर्य, अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द सोशल इन्वायरमेंट, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया है। टीचर्स आर एडवाइज टू इन्वॉल्व दियर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज़, एक बार यहाँ पे फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा, जब भी ग्रुप एक्टिविटीज़ या ग्रुप पार्टिसिपेशन या आपका कोऑपरेटिव लर्निंग या कोलाबरेटिव लर्निंग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ पे आप तुरंत सचेत हो जाइएगा, उस प्रश्न का तुरंत तुरंत संबंध समाजीकरण से होगा। तो यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है कि टीचर्स को ग्रुप एक्टिविटीज़ को इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा करने के लिए कहा जाता है, क्यों, उसका कारण यह है, दीज ग्रुप एक्टिविटीज़ आर मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये समाजीकरण के माध्यम है। शिक्षकों की सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में सम्मिलित करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए क्या है, समाजीकरण, क्या जहाँ तक ये सीखने को सुगम बनाता है सामूहिक एक्टिविटी, और साथ ही साथ ये समाजीकरण को बढ़ावा भी देता है। सोशलाइजेशन मीन्स, ये यह एक कीवर्ड दे दिया आपको पेपर में, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण एडजस्टिंग इन सोसाइटी, समाज के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया की, समायोजन की प्रक्रिया को समायोजन समाजीकरण कहते हैं। विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट स्कीम टू स्टार्ट विथ इन नर्सरी क्लास, यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछ रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी और सुगम विषय वस्तु क्या होगी। अब यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि आप नर्सरी के टीचर हैं, आपके पास कोई बच्चा आया है पहली बार, तो उसको आप सबसे पहले कौन सा पाठ्य बिंदु पढ़ाएंगे, तो सबसे पाठ्य बिंदु क्या है, माई फैमिली, मेरा परिवार। या आपसे ये प्रश्न आ जाए कि आपकी कक्षा में एक बालक पहली बार आ रहा है, उससे अपने बीच में संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए क्या करेंगे, संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए, संबंध को बढ़ाने के लिए या इंटेंसीफाई करने के लिए टीचर को उसके मातृभाषा में बात करनी चाहिए।
अगला जो प्रश्न है सोशलाइजेशन इज, यह प्रश्न ऊपर से फिर रिपीट हो रहा है, एडॉप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मापदंडों के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चर ट्रांसमिशन एंड, ये देखिए यहाँ पे एंड लिख करके पूछा हुआ है आपसे इसके आगे क्या होगा। सोशलाइजेशन की क्या क्या विशेषताएं होती है, प्लस सामाजिकरण की विशेषता होती है यह है सांस्कृतिक मूल्य को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित करता है। दूसरा ये होता है कि यह व्यक्तिगत विकास में या इंडिविजुअल डेवलपमेंट में भी जोर देता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोशलाइजेशन स्कूल ऑफन हैव अ हिडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ, देखिए हिडन करिकुलम क्या है, हिडन करिकुलम वह होता है जो कि जिसके लिए कोई निश्चित पाठचर्या नहीं होती है, लेकिन जो कि शिक्षा के उद्देश्य में सम्मिलित होती है। जैसे सामाजिकरण कोई लिखित पाठचर्या नहीं होता है, लेकिन सामाजिकरण हमारे पाठचर्या का अभिन्न हिस्सा होता है। हम सामाजिकरण के साथ साथ बालकों में मूल्य नैतिकता या प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों का विकास करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या, सामाजिकरण संदर्भ विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रछन्न पाठचर्या विद्यालय विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, क्या निहित है, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में अनौपचारिक संकेत। जो हमारे विद्यालय है उसमें जो हमारे विद्यार्थी से सोशल रोल प्ले किए जाते हैं, सामाजिक भूमिका निर्वाह कराया जाता है, ये सारे के सारे हमारे समाजीकरण से संबंधित होते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, अभी हमने डिस्कस किया हुआ था एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन और पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की सक्रिय संस्थाएं और सामाजिकरण की निष्क्रिय संस्थाएं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सामाजिकरण की निष्क्रिय संस्था क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी जिसे हमने वाचनालय शब्द से नवाजा हुआ था, सार्वजनिक पुस्तकालय। इस तरीके से हमने बहुत ही संक्षेप में सामाजिकरण जो हमारे आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको हमने ख़त्म करने की कोशिश किया हुआ है, और इसी में से ही आपके सारे प्रश्न संभवतः आ जाएंगे। और इस